वीडियो में कक्षा 9वीं विज्ञान विषय में अध्याय 9 बल तथा गति के नियम का ये पहला भाग है। ये इसके दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है। तो बल क्या है? बल एक बाह्य कारण है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या करते, परिवर्तन करते या परिवर्तन करने का क्या करे, प्रयास करे, वो क्या होता है बल। जैसे एक भारी अलमारी है, उसको हम खसका रहे हैं लेकिन वो अपने स्थान से नहीं हट रही है, तो हमने बल तो लगाया लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हम प्रयास भी कर सकते हैं। आप देखिए, एक ट्राली है, ये इसको ये बालक के द्वारा इसको ढकेला जा रहा है, तो ये अपने स्थान से क्या हो रही है, थोड़ा सा स्थान परिवर्तन कर रही है। हम कोई भी ड्रॉवर को, उसको दराज को खींचते हैं तो हमें बल लगाना पड़ता है। ऐसे दैनिक जीवन में बल के बहुत से उदाहरण हैं। ये देखिए, हम गेंद को हॉकी के द्वारा उस पर बल लगाकर उसकी गेंद की पोजीशन को, गेंद को हम अपने स्थान से परिवर्तित कर सकते हैं, खींच कर, धकेल कर या ठोकर मार कर। आप यहाँ पर देखिए, स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अभी ऐसे है, हम इसको यदि बल लगाते हैं तो ये फैल जाती है। तो बल लगाने से किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो बल वह बाह्य कारण है जो किसी भी पिंड या किसी भी वस्तु की अवस्था को क्या करते, बदल दे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संतुलित बल वो बल है जो किसी भी वस्तु पर हम आरोपित करें और वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो कहलाता है संतुलित बल। और असंतुलित बल भी होता है। जैसे आप देखिए, एक लकड़ी का एक गुटका है, इसको इस दिशा में भी बल लगा रहे हैं और इसके इस दिशा में भी बराबर बल लग रहा है, तो वस्तु अपने स्थान से नहीं हटेगी क्योंकि दोनों ओर से बल क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। अब होता है असंतुलित बल, वह बल जो किसी वस्तु की गति में कोई परिवर्तित कर दे, कोई भी चेंज ला दे, वह है असंतुलित बल। देखेंगे आप यहाँ, ये इसको इस दिशा में खसका रहा है तो ये खसक रही है, तो ये बल कैसा है, असंतुलित बल है। तो अब हम पढ़ेंगे ये बल से संबंधित गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी या तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब वो अपनी पुरानी अवस्था में परिवर्तन कर क्या करती है, विरोध करती है। गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। जड़त्व मतलब कि वो स्थिति वो अपने परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। यदि वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, और यदि एक समान वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। इस प्रवृत्ति को हम क्या बोलेंगे, जड़त्व का नियम। ये नियम फिर से देखिए आप, प्रथम नियम, कोई भी वस्तु है अपनी या तो स्थिर अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो या सरल रेखा में हो, तो वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर हम कोई बाहरी बल ना लगाएं। आपको यदि गाड़ी चल रही है और यदि आपको उसको बीच में रोकना है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जड़त्व और गति का प्रथम नियम एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अब जो जड़त्व होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, गति जड़त्व और विराम जड़त्व। इस प्रकार हम देखेंगे, ये एक बॉल है, कांच की गोली है, इस प्रकार ये ऐसा आनत तल, आनत मतलब ढलान वाले तल से ये नीचे की ओर लुढ़क रही है, और जितनी दूरी ये तय करती है उतनी दूरी से ये दूसरे वाले तल के ऊपर चली जाती है। समझ में आ गया ये? और इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये जा रही है, और यदि मान लो हम ढलान कम कर दें, ढलान कम कर दें, द्वि आनत तल, इस प्रकार यदि इसलिए
समतल सतह करते हैं इस प्रकार, तो ये क्या होगा कि इस प्रकार ये समतल गति करती हुई जाएगी। यदि जब तक घर्षण के द्वारा इसको ना रोका जाए ये इसी सतह पर गति करती हुई। तो जड़त्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं, विराम जड़त्व और गति जड़। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम एक बस में बैठे हुए हैं, बस चल रही है, और जब चलती हुई बस अचानक क्या होती है, रुकती है, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है कि जब हम बस में बैठे हुए हैं तो बस के साथ हमारा शरीर भी उसी दिशा में गतिमान रहता है, और जब वह रुकती है तो हमारे शरीर का निचला भाग जो सीट है वो बस के संपर्क में रहती है। तो क्या होता है, बस रुकी तो निचला हिस्सा तो रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा अभी चल रहा था, गति जड़त्व के कारण वो गतिमान रहता है और हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इस प्रकार इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। यदि कोई बस में हम बैठे हुए हैं और एकदम से बस चलने लगे विराम अवस्था से, तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण भी वही है, यहाँ गति जड़त्व होगा, यहाँ विराम जड़त्व। तो हमारे शरीर का निचला भाग जो है वो बस के संपर्क में है, तो वो क्या रहता है कि वो भी विराम अवस्था में है। जैसे ही बस ने चलना आरंभ किया तो हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है जो सीट के टच में है तो वो गतिमान हो जाता है, और जो ऊपरी हिस्सा है वो विराम जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहता है और हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो दैनिक जीवन में गति जड़त्व और विराम जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने कैरम बोर्ड खेला है, कैरम बोर्ड में आप देखते हो ना कि हम स्ट्राइकर की जो स्ट्राइकर होता है उसकी सहायता से हम कई बार देखते हैं कि नीचे की गोटी खसक जाती है और ऊपर की गोटियाँ अपनी विराम अवस्था के कारण जमी हुई रहती हैं। हमने स्ट्राइकर से नीचे की गोटी को क्या की, गति प्रदान की उसको ठोकर लगते, तो बाकी गोटियाँ अभी किस अवस्था में थी, विराम, तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेंगी और नीचे की गोटी ये बाहर निकल जाती है। तो ये दैनिक जीवन में बहुत उदाहरण। एक और उदाहरण देखिए, आप एक गिलास लीजिए, उसके ऊपर एक पतला कार्ड या कांच का पत्ता ले सकते हो रखें, और उसके ऊपर एक सिक्का रखें, तो हम उसको हाथ से झटके के साथ, जब हम इस कांच के पत्ते को एकदम झटका देके इसको बल लगाते हैं जोर से, ये कांच का पत्ता हट जाता है और सिक्का नहीं हटता। सिक्का अभी विराम अवस्था में था तो ये विराम जड़त्व के कारण वहीं रहेगा और गिलास में गिर जाएगा, और ये कांच का पत्ता क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ पर भी ये विराम जड़त्व का उदाहरण है। अच्छा, ये वस्तु का द्रव्यमान इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं और वेग को बी से, आपने गति वाले पाठ में पढ़ा है कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ये वेग एक सदिश राशि है। तो संवेग क्या है, बल के द्वितीय नियम को समझने के पहले हमें संवेग का अर्थ समझना पड़ेगा। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे, संवेग। इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल एम से और वेग को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको परिभाषा याद करना है। संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आपको ये मात्रक मैं बता रही हूँ बहुत सरल है। इसे ये एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में भी नाप सकते हैं, और वेग का मात्रक आपको मालूम ही है मीटर प्रति सेकंड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका शॉर्ट फॉर्म किलोग्राम को केजी, मीटर के लिए हम लाएंगे एम और सेकंड, क्योंकि सेकंड को हम ऊपर ला रहे हैं तो यह माइनस हो जाएगा। इस प्रकार किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस वन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु की द्रव्यमान और वेग में संबंध। किसी पेड़ की शाखा को हम जब तीव्रता से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियाँ क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। तो क्यों झड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी विराम जड़त्व है, पत्तियाँ स्थिर अवस्था में हैं, और जैसे ही हम शाखा हिलाते हैं तो वो अपने स्थान पर हिल जाएंगी, और पत्तियाँ जो कि विराम अवस्था में हैं वहीं पर
जड़त्व क्या है, अभी मैंने पहले बताया, संतुलित और असंतुलित बल का अर्थ आपको उदाहरण समेत बता रहे हैं। ये अच्छा, गति का जो द्वितीय नियम है वो भी समझ लेते हैं हम। तो गति का प्रथम नियम देखा, तो संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है। तो हम इसकी गणितीय व्याख्या कर सकते हैं कि कोई भी m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु है और शुरू में उसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग है, वो है u, और यदि मान लो वो एक सीधी रेखा में चल रहा है और कुछ निश्चित समय बाद, समय को हम t से प्रदर्शित करेंगे, t समय बाद वो एक बल लगाया हमने और उस वस्तु का वेग शुरू में u है, बाद में v हो जाता है, तो इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग है mu और अंतिम संवेग है mv। तो इस प्रकार हम दोनों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर होगी समानुपाती m गुणित v ऋण u बटे t। इसको जब हम हल करते हैं तो आता है f बराबर k m a। यदि k का मान मान लो एक है तो f बराबर आ जाएगा m a। इस प्रकार द्रव्यमान का मात्रक kg, त्वरण का मात्रक ms माइनस 2, और यदि k का मान एक हो तो बल बराबर होता है मात्रा गुणित त्वरण, और बल का मात्रक होता है न्यूटन।